हेलो फ्रेंड्स, पार्ट वन में मैंने स्मॉल स्लीव का डायग्राम बनाना सिखाया। उसमें कौन से जो मेज़रमेंट है उस हिसाब से हमें कहाँ पे क्या चेंज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। अब हम उसी को पेपर पे इंच में कटिंग करेंगे। तो उसकी स्मॉल साइज़ का जो स्लीव है उसका मेज़र हमने लिया था लेंथ 4 इंच, फिर बाइसेप लेंथ जो है 11 इंच, और हमारा आर्म होल जो है हमने 13 इंच लिया था। तो ये 3 मेज़रमेंट हैं स्लीव में, हमें ये 3 मेज़रमेंट कंपलसरी लेने होते हैं। अब इसको हम इंच में ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरह से इसका शेप बनता है। सबसे पहले हमने लेंथ 4 इंच लेनी है, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पेपर मैंने डबल में लिया है इस तरीके से, तो यहाँ पे इस साइड से फोल्ड है, तो हमें फोल्ड साइड से ड्रॉ करना है। लेंथ हमेशा फोल्ड साइड से होती है। अब हम नीचे 1/2 इंच का सीम अलाउंस ले लेंगे, और उसके बाद हम 4 इंच जो हमारी स्लीव लेंथ है वो लेंगे, और 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ऊपर लेंगे सीम अलाउंस। उसके बाद हम बाइसेप लेंथ 11 है तो उसका हम 1/2 कर देंगे, तो 5 1/2 इंच एंड एक्स्ट्रा 1.5 इंच ऊपर भी हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे। उसके बाद हमें यहाँ से स्टार्टिंग से 3 1/2 3.5 इंच नीचे डाउन हो जाना है, फिर वहाँ पे हम आर्म होल 13 इंच है, तो यहाँ पे हमें अपना फॉर्मूला यूज़ करना है। आर्म होल जब 13 आता है तो हम क्या करेंगे, 13/2 करेंगे तो हमको मिलेगा 6 1/2 इंच, और उसमें से हम -1/2 इंच कर देंगे तो हमें मिलेगा 6 इंच। तो हमें यहाँ पे आर्म होल 6 इंच ले लेना है, और उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हम जो यहाँ से और यहाँ तक जो हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया है, इस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पे क्रॉस लाइन बना देंगे। इस क्रॉस लाइन को हम मेज़र करेंगे, 7 इंच आ रही है तो 7 इंच का हम 1/2 कर देंगे, 3 1/2 इंच। अब हमें जो ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाई है वहाँ पे हमें 2.5 इंच ले लेना है, 2 1/2 इंच, और यहाँ से फिर से 1.5 इंच के आगे क्रॉस में एक लाइन बना देनी है शेप देने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच पे डॉट करेंगे, और यहाँ से ये जो कॉर्नर है वहाँ से 0.75 यानी 0.25 इंच जितना शेप लेंगे, और इस शेप को हम इस सेंटर पॉइंट में लेके जाएंगे ऐसे। अब जो नीचे की 1/2 लाइन बाकी है उसका भी हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, और इस सेंटर पॉइंट के नीचे की साइड हम 1/2 इंच जितना ले लेंगे, और इसको हम ऐसे कर्व शेप में नीचे की साइड से ये शेप दे देंगे। अब हम ये जो शेप हमने दिया वो अंदर की साइड का शेप है, हम बाहर का देंगे, तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है उसको हमें थोड़ा सा राउंड कर देना है, राउंड शेप, और यहाँ से इसको ऐसे राउंड शेप दे देना है, और यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर पॉइंट निकाल देना है। तो ये हमारी स्लीव रेडी हो गई। ये बाइसेप लेंथ का 1/2 है, ये 1.5 इंच है, ये भी 1.5 इंच है,
ये हाफ इंच है और ये सीम अलाउंस हाफ इंच। यहाँ से हम 3.5 इंच डाउन हुए और यहाँ पे हमने जो 3.5 इंच डाउन हुए वहाँ से हम जो लाइन बनाते हैं वहाँ पे हमें आर्म होल का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आर्म होल का फॉर्मूला आएगा आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 एंड माइनस 2, 6.5 माइनस हाफ इंच, तो हमें 6 इंच मिलेगा। तो हमें आर्म होल जो आर्म होल सबका अलग अलग होता है, सेम फिक्स नहीं होता है, तो जिस हिसाब से आर्म होल चेंज होता है लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है, सिर्फ उसका मेजरमेंट चेंज होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा स्लीव रेडी हो गया, अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये स्लीव कट होकर रेडी हो गई है, अब हम इसका आर्म होल भी कट कर लेंगे जो हमने शेप दिया है कर्व शेप में। ये हमारी स्लीव कट होकर रेडी हो गई है। इसे ये वाला जो हिस्सा है वो बैक साइड है और ये फ्रंट साइड आएगा। जब भी हम स्लीव कपड़े पे कट करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, कई कई बार ये होता है कि जो फ्रंट है वो बैक साइड चला जाता है, बैक वाला ही फ्रंट साइड आ जाता है। तो ये गलती ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन पे है वो उसे हम कट कर देंगे और जो फ्रंट साइड है वहाँ पे हम यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरीके से, ताकि हमें पता चले कि ये फ्रंट साइड आएगा। अब ये स्लीव रेडी हो गई, मैंने इस तरह से छोटी छोटी स्लीव्स बनाई है। तो यहाँ पे हम जो फ्रंट साइड कट लगाते हैं तो पता कैसे चलता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपने दो स्लीव कट की है तो यहाँ पे जो हमने कट लगाया है और यहाँ पे जो कट लगाया है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आना चाहिए, तभी आपकी स्लीव सही से बनेगी। ये दोनों इस तरीके से सामने सामने ऐसे दिखना चाहिए। दोनों आर्म होल एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं। अगर आपने कपड़ा, ये फ्रंट साइड है और ये फ्रंट साइड, फ्रंट और फ्रंट दोनों साथ में होना चाहिए, एक बैक और एक फ्रंट आप करोगे तो दोनों आर्म होल एक दूसरे एक ही साइड के कट हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी स्लीव बनकर रेडी हो गई है, आपको भी इसी तरीके से कट करना है। तो आई होप आप लोगों को स्लीव का कटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा।